नमस्कार दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं आज हम नई वीडियो लेके आ गए हैं और ये हमने सूजी लिया है और एक कटोरी हमने दही लिया है और एक हम मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें हम सूजी को डाल देंगे। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो हमने देख सकते हैं ये सूजी हमने डाला था उसी में, उसी कटोरी से, दोनों कटोरी सेम है, उसी कटोरी से हमने इसमें दही डाला है। तो सूजी और दही को आपस में फेंट लेंगे और इसमें स्वाद के हिसाब से हम नमक डाल देंगे। तो ऐसे आप लोग बनाइएगा, हम दही भल्ले बना रहे हैं तो आप लोग ऐसे देखिए, हम नमक डाल देते हैं इसमें स्वाद के हिसाब से, इसको मिक्स कर लेते हैं। झटपट घर में दही भल्ले बना के खाने का मन करे तो आप लोग देर मत करिए, इस तरह बनाइएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा हमारी तरह। तो दही थोड़ा कम था तो थोड़ा हमने पानी डाल लिया है। बैटर को थोड़ा एकदम ना पतला करना है ना गाढ़ा करना है, थोड़ा अच्छा सा रहेगा तो पकोड़े जो है अच्छे से फूलेंगे, अंदर से अच्छे से उभर के आएगा, पूरा फूल जाएगा। तो ये हमने वो लिया है बेकिंग सोडा, आधा चम्मच से भी आधा है, उसको भी डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको बैटर को अच्छे से फेंटना है तभी ये फ्लफी बनेगा और पकोड़े अच्छे से फूल के खिलेंगे। तो हमने कुटा हुआ लाल मिर्ची लिया है, आप लोग तीखा खाना पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। उसको भी डाल के हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से कम से कम 5 से 10 मिनट तक फेंटिएगा आप लोग। उसके बाद 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, फिर 10 मिनट बाद मिलते हैं। देखिए 10 मिनट हो गया, फिर से हम आ गए तो हम खोल के देख लेते हैं। बैटर देखिए फूल गया अच्छे से, इसको 2 मिनट के लिए और फेंट लेंगे। और हमने गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख दिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाले हैं तो वो गर्म हो गया है। और हम एक कटोरे में पानी लिए, उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिए। तो पकौड़े को हम तलेंगे, उसके बाद हम तुरंत पानी में डाल देंगे। अगर आप लोग अभी खाना पसंद करते हैं तो पानी में डालिएगा, नहीं तो सूखा निकाल के रख लीजिएगा, बाद में जब खाना होगा तो पानी में डालिएगा और फिर 2 मिनट के बाद तुरंत पानी में से निकाल के उस पर दही चटनी जो भी डालना है डाल के खाइएगा। तो देखिए एक एक करके हम पकौड़े डाल रहे हैं और पकौड़े देखिए खिल के एकदम उभर के खिल रहे हैं, बढ़िया से अच्छा से फूल रहे हैं। गोल गोल तो नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी अच्छे बन रहे हैं। तो इनको हम पलट लेते हैं, इनको थोड़ी देर पकने के बाद ही पलटिएगा, नहीं तो ये गीला होते हैं तो ये चिपक जाते हैं आपस में। देख सकते हैं ये देखिए, इसको आराम से बहुत पलटना पड़ता है क्योंकि बैटर थोड़ा सूखा नहीं रखते हैं ना, थोड़ा ढीला ही होता है, तो तभी तो पकौड़े खिलेंगे अच्छे से। इसलिए कढ़ाई में डालने के बाद भी ये देख सकते हैं हमारे पलटा में थोड़ा सा किनारे में लग गया है, इसीलिए आराम से पलटिएगा आप लोग एक तरफ पकने के बाद। पलट पलट के अच्छे से ब्राउन कलर आने तक इसको पका लेंगे। तो देखिए इसको हम निकाल के सीधे पानी में डालेंगे क्योंकि हम अभी इसको सर्व करेंगे और अभी खाएंगे। और हाँ, पानी में आप लोग चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं, हींग भी डाल सकते हैं। तो नमक हमने पहले ही बैटर में डाल रखा है इसलिए पानी में हमने हींग नहीं, वो नमक नहीं डाला है, हींग डाला है बस। तो हम दूसरी बार कभी निकाल लेते हैं। एक एक करके डालिएगा आराम से।
तो कढ़ाई में जितना जगह है उसी के हिसाब से आप लोग डालिएगा। ज़्यादा भर देंगे तो ये आपस में चिपक जाते हैं, तो ज़्यादा भरना नहीं है कढ़ाई को। अच्छे से घुमा घुमा के चारों तरफ से इसको पकाना है। तो देखिए ये गोल्डन हो गए हैं एकदम, इनको भी हम निकाल लेते हैं उसी पानी में। तो अब हम सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हम प्लेट लिए हैं एक, उसमें हम पानी में से निकाल के तुरंत इसमें डाल देंगे। पानी थोड़ा सा निचोड़ दीजिएगा आप लोग हल्का सा हाथ से दबा के, देख सकते हैं हमने तुरंत डाला और तुरंत निकाल लिया है। क्योंकि ये दाल वाले नहीं है, सूजी वाले हैं, तो सूजी वाले ज़्यादा देर छोड़ते नहीं हैं। दाल वाले होते हैं तो आप पाँच मिनट छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो सूजी वाले हैं उसको मुश्किल से दो मिनट ही छोड़िएगा आप लोग। कढ़ाई में से तल के उसको सूखा निकाल के और जब खाइए तब उसमें दही मिलाइए और खाइए। तो देखिए इसके ऊपर हम दही डाल देंगे। खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाए हैं वो डाल देंगे इसके ऊपर। और धनिया पुदीने की चटनी बनाए हैं वो भी डाल देंगे इसके ऊपर। और ये काला नमक है, भुना हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा पीस भूज के तवे पे और उसको हमने बारीक पीस लिया है। और ये लाल मिर्ची पाउडर है, आप लोग तीखा खाना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से डालिएगा। ये देखिए हमने कुछ काजू बादाम किशमिश है उसको भी काट के डाल लिए हैं। और ये पापड़ी है इसको भी क्रश करके डाल देंगे। तो देख सकते हैं बना है ना यम्मी। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।